हेलो दोस्तों। तो हम अगर हमारा लास्ट टॉपिक है प्रायद्वीपीय प्रहार का, वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब इस लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हम तटीय के बारे में बात करने वाले हैं। किस क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं, तटीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तटीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि वो क्षेत्र जो जो एक तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। जिस तरह से प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या होता है कि प्रायद्वीपीय पठार तीनों तरफ से किसे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, वाटर से घिरा होता है, जिसको पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं। बट तटीय क्षेत्र का मतलब होता है जो एक तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। जैसे जो भी जाके आते हो, ठीक है, तो आप जहाँ पे बैठते हो उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तट मतलब पानी के मुहाने वाला सामना, सामने का मतलब जहाँ पे आप बैठते हो उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही देखने वाले, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा किसका, प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। चलो, तो आपको मैंने ये बताया था, ठीक है, ये आपको याद होगा कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार का स्ट्रक्चर किस तरह से, ठीक है, किस तरह से था। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट है, ईस्ट घाट, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्ट घाट। तो हमारा जो ये भाग है, ठीक है, ये हमारा तटीय क्षेत्र है, ये हमारा तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि पश्चिमी घाट ये जो भाग है ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुंबई जिस तरह से मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे सपोज चेन्नई पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये भाग क्या है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रहूं तो मेरे लिए मुंबई पे ये पश्चिमी घाट बहुत ऊपर उठा हुआ है, बट मैं यहाँ पे रहूं तो पूर्वी घाट हल्का सा उठा हुआ है, ठीक है। और ये भाग ये बहुत ज्यादा क्या है, ढलान नहीं है। जो हमारा पूर्वी घाट है वो ज्यादा ढलान नहीं है, बट पश्चिमी घाट आप देख रहे हो बहुत ज्यादा ढलान है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं, ये भाग जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये हमको इंडिकेट करता है कि ये भाग पहले किससे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से, अफ्रीका से दूर के अलग हुआ तब जाके ये भाग हमारा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। आप अभी हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट, चलिए हेडिंग डालिए पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट हेडिंग डाल दिया, पहला पॉइंट लिखिए पश्चिमी घाट, हेडिंग डालिए पश्चिमी घाट की लंबाई गोवा से कन्याकुमारी तक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कन्याकुमारी है, ठीक है, कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट की लंबाई पहला पॉइंट, पश्चिमी घाट की लंबाई गुजरात से कन्याकुमारी तक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, पश्चिमी घाट को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, पश्चिमी घाट को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि गुजरात से गोवा तक पश्चिमी घाट को कोकण तट बोला जाता है, और गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट बोला जाता है, और इस मंगलोर से कन्याकुमारी, या फिर आप बोल सकते हो केरल में मालाबार तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मालाबार तट, ठीक है। कहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं कि मालाबार तट किस क्षेत्र, किस स्टेट में बोला जाता है, पश्चिमी घाट ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि पश्चिमी घाट को मालाबार तट किस स्टेट में बोला जाता है, या फिर केरल, केरल में पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है। और अगर ऐसा पूछ लिया कि बताइए कि गुजरात और गोवा के बीच के पश्चिमी घाट के भाग को क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोकण तट, ठीक है। और अगर बोला गया कि बताइए गोवा एंड मैंगलोर, ठीक है, इनके बीच के भाग को पश्चिमी घाट को क्या नाम से बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, कन्नड़ तट, ठीक है। चलो, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दोगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया की जितनी भी रिवर्स है वो सब कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। केवल दो रिवर ऐसी है, क्या नाम है इनका, नर्मदा और तापी रिवर, ये दोनों रिवर कहाँ की मिलती है, अरब सागर में, बाकी सब रिवर कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इतना उस दिन आपको समझ गया था। तो ये जितने भी रिवर्स हैं ये सब उत्तर की तरफ ही क्यों जाती हैं, और उत्तर की तरफ ये क्या है, ठीक है। तो अभी हमको दो चीजें समझनी है, कौन सी चीजें, दो चीजें समझनी है, पहले कि ये रिवर्स यहाँ पे आती हैं तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, बट ये रिवर्स इस साइड आती हैं तो ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि ये सारी रिवर इस साइड डेल्टा बनाती है, ये रिवर्स ये साइड डेल्टा नहीं बनाती है। अभी हमको किन किन पॉइंट पे फोकस करना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, पहले हम क्या देखेंगे,
लैगून झील क्या होता है, क्या देखेंगे लैगून झील क्या होता है, फिर हम क्या देखेंगे एस्टुअरी किसको बोलते हैं, थर्ड हम क्या देखेंगे डेल्टा किसे कहा जाता है। ठीक है, ये तीन पॉइंट आज हम समझने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लैगून झील, किसके बारे में पढ़ेंगे आप लैगून झील। ठीक है, लैगून झील हेडिंग डाल दीजिए, लैगून झील, लैगून झील किसको कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप पश्चिमी घाट पे अगर आप इंडियन मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको पश्चिमी घाट पे ही ऐसे बहुत सारे एरो बने हुए दिखाई देते हैं, इस तरह के गड्ढे, इस तरह के गैप्स दिखाई देते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसा मैप हमारा ऐसा आ रहा है, हमारा मैप इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है गैप। ठीक है, ऐसे। तो ये गैप क्या होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है लैगून झील। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, ये हमारा जमीन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है भूमि होती है। यहाँ पे क्या है अरब सागर का, अरब सागर है। ठीक है, जब ये जल आपको पता है कंटिन्यू लहरें आते रहते हैं सागरों में। ठीक है, तो वो कंटिन्यू लहरें क्या करती हैं, किसी भी एक साइड को या भूमि को क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादातर दबाव तक प्रेशर देते हैं। ठीक है, और उनका प्रेशर क्या होता है इसके ऊपर पड़ता है, और जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इस भूमि का क्या करते हैं, ये लोग चरण कर देते हैं। क्या करते हैं, चरण करते हैं और अंदर की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये जल अपनी भूमि के अंदर तक घुसना स्टार्ट कर देते हैं तो जल में सागर में जो सादे चट्टाने होती है, जो मलबा लाया जाता है वहां के, वो मलबे क्या करती है नदियां इनके आगे ही क्या करती हैं, रोक देती हैं और इसको बंद करने का प्रयास करती है। मतलब पानी जब अंदर जाता है तो जब पानी अंदर गया तो बाहर से इसको ब्लॉक करने की कोशिश कौन करता है, रिवर करते हैं। ठीक है, और एक लैगून झील का निर्माण करती है। एक समय आता है कि पूरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, एक अलग यहाँ पे झील बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं लैगून झील। और लैगून झील कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, लैगून झील क्या होता है, खारा होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, जब समुद्र का पानी भूमि से टकरा के उसका क्षरण करके अंदर की ओर मुड़ता है, ठीक है, या फिर ऐसा ब्लॉक बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, और उसके द्वारा लाए गए मलबे और नदियां क्या करती है उसके मुहाने पे, इसके मुहाने पे क्या करती है सब रख देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है उसका ब्लॉक बंद होने लगता है, उसका मुंह बंद होने लगता है, उसको बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, ठीक है, ये हो गया लैगून झील। अब वापस से इस मैप में आते हैं। ये क्या है पूर्वी तट है। ठीक है, ये पूर्वी तट है, पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो हमने यहाँ पे तटीय क्षेत्र बताया, आप यहाँ पे देख रहे हो धरा, जब कोई रिवर, ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो करती है, यहाँ से क्या कर रही है रिवर फ्लो कर रही है, और जब ये यहाँ पे गिरती है, ऐसे ऐसी बात नहीं है कि कोई भी रिवर, बंगाल में सिर्फ दो रिवर जाती है, मेन दो रिवर जाती है, बाकी छोटी रिवर्स यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स भी है जो कहाँ पे जाके मिलती है, अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, ये फ्लो कर रही है बट यहाँ से इतनी तीव्र ढलान से जा रही है, ये यहाँ से क्या कर रही है बहुत तीव्र ढलान, मतलब जो इनकी गति है वाटर की, जो नदी की जो गति है वो क्या हो जा रही है, ढलान उसकी ज्यादा हो जा रही है। सबो जैसे हम किसी रोड पे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, जब हम चढ़ते हैं तो हमको बहुत मेहनत लगती है, बट जब हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो हमारा स्पीड अपने आप क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी जब वो रिवर्स यहाँ से आती है और फिर यहाँ पे पहुंचती है तो उनका ढलान क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है, वो पश्चिमी घाट से तीव्र गति से नीचे की ओर बढ़ती है, और जब वो बहती है तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, और डायरेक्ट वो नीचे की तरफ आती है और फिर कहाँ जाके मिल जाती है, सागर में। ठीक है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी वो ऐसा गड्ढा भी बना देती है और छोटा सा रिवर हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एस्चुअरी, क्या बोलते हैं एस्चुअरी। ठीक है, ये हो गए एस्चुअरी का रिवर। तो अब
आप अगले पॉइंट में ये लिख सकते हो कि पश्चिमी घाट जहां पे ऐश्वरी का निर्माण करती है, उसी तरह पूर्वी घाट डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ऐसे आप ब्लॉक बना लीजिए, एक तरफ लिख दीजिए पश्चिमी घाट, एक तरफ लिख दीजिए पूर्वी घाट, दोनों में कंपैरिजन करके बता दीजिए। ठीक है, जहां पश्चिमी घाट ऐश्वरी का निर्माण करती है, उसी तरह पश्चिमी घाट डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, पश्चिमी घाट के, अभी हम पश्चिमी घाट लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम पश्चिमी घाट पे ही रहते हैं। तो अभी क्या करते हैं, पश्चिमी घाट के दो तीन एस्चुरी के नाम लिख देते हैं जो कि रिवर्स एस्चुरी फॉर्म करती है या फिर लैगून झील। तो आप हेडिंग डालिए, देखो गोवा, पहला क्या रहेगा, गोवा की दो रिवर ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, उनके नाम क्या है, मांडवी, पहला रिवर लिखे मांडवी, दूसरा जमुनी। ठीक है, जुआरी, दूसरी रिवर क्या है, जुआरी, मांडवी और जुआरी। तो आप ऐसे लिखिए कि गोवा में मांडवी और जुआरी ऐसी दो रिवर है जो किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। उसी तरह से सेकंड आप लिख लीजिए केरल, यहाँ केरल में भी दो रिवर, ठीक है, केरल में क्या है, दो रिवर, पहला क्या है, भरतपुआ और दूसरा क्या है, पेरियार। ठीक है, ये दो रिवर किसकी है, केरल की। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि केरल की भरतपुआ और पेरियार रिवर ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और लैगून के भी नाम लिख लीजिए आप, अब नीचे हेडिंग लिखिए, हाँ लैगून में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लैगून, लैगून में हम क्या लिखेंगे कि केरल में बेम्बानाड झील, केरल में बेम्बानाड झील और अष्टामुदी, केरल में बेम्बानाड झील और अष्टामुदी ये दो रिवर ऐसी हैं जो किसका निर्माण करती है। यहाँ पे देखो आप ये डायग्राम दिखा दो, मतलब क्या है वो, मैप में अगर ये डायग्राम कहीं पे भी दिखा तो उसका मतलब क्या होता है, वो लैगून का निर्माण कर रही है, किसका, लैगून झील का निर्माण कर रही है। लैगून झील का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो भाग जो तट को अंदर की तरफ ढकेल के जल का पानी वहां तक पहुंचाए, ठीक है, और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करे या ब्लॉक भी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैगून झील। तो आप लिखिए बेम्बानाड झील और अष्टामुदी झील केरल में, ये दो लैगून झीलें हैं। तो एग्जाम में ये पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, बताइए बेम्बानाड झील किस स्टेट में है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, केरल। क्या बोलेगा, केरल की ऐसी कौन सी दो झीलें हैं जो लैगून झील है, ठीक है, लैगून झील का निर्माण करती है, तो क्या नाम है उनका, बेम्बानाड झील और अष्टामुदी। केरल में एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, केरल में बेम्बानाड झील और अष्टामुदी झील को कयाल के नामों से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कयाल के नामों से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए केरल में कयाल किन दो झीलों को बोला जाता है, तो किन दो झीलों को बोला जाता है, बेम्बानाड झील और अष्टामुदी झील को, किस नाम से जाना जाता है, कयाल, यहाँ के जो प्रवासी हैं केरल के वो इसको कयाल के नामों से जानते हैं, बेम्बानाड झील और अष्टामुदी झील। ठीक है, ये दोनों झील क्या निर्माण करती है, लैगून झील का निर्माण करती है, लैगून झील का मतलब समझ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो ये बात हो गई किसकी, पश्चिमी घाट, अब आप हेडिंग डालिए पूर्वी घाट, हेडिंग डालिए पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पहला पॉइंट लिखिए, पूर्वी घाट का विस्तार हुगली रिवर से लेके कन्याकुमारी तक है, पूर्वी घाट का विस्तार हुगली रिवर से लेके कन्याकुमारी तक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उड़ीसा में पश्चिमी घाट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में पश्चिमी पूर्वी घाट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उत्कल राष्ट्रगीत में उत्कल, तो उत्कल तट से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्कल तट। अगला लिखिए, पूर्वी घाट में गोदावरी रिवर कृष्णा रिवर के बीच के भाग को या मध्य के भाग को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, इस साइन का मतलब क्या होता है, लैगून झील, यहाँ पे भी लैगून झील है, तो पूर्वी घाट पे दो लैगून झील है, एक आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में इसको क्या बोला जाता है, आप ध्यान से लिख लीजिए, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उड़ीसा में उल्का झील, उड़ीसा में क्या है, इसका नाम क्या है, उल्का झील। कौन सी लैगून झील है, ये उल्का, कहाँ पे है,
उल्का नाम आता है एग्जाम में, बहुत बार स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं, उल्का झील पूछा जाता है कि बताइए उल्का झील कहाँ है, तो उल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये कौन सी झील है, लैगून झील है, लैगून झील का निर्माण कर रही है ना यहाँ पे आप देखो, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में लिखिए जरा, आंध्र प्रदेश में क्या है, पुलिकट। आंध्र प्रदेश में क्या, किस नाम से इसको जाना जाता है, पुलिकट के नाम से जाना जाता है, ये भी एक लैगून झील है, ठीक है। लैगून झील का मतलब मैंने बताया कि रिवर क्या करती है, भूमि को अंदर की तरफ धकेल के एक नया एरिया कवर कर लेती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लैगून झील। यहाँ पे पुलिकट, पुलिकट कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, क्या निर्माण करती है, लैगून झील का निर्माण करती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लैगून झील हमको दोनों तरफ मतलब एक सेम पॉइंट मिल रहा है कि पूर्वी घाट में भी हमको लैगून झील देखने को मिलते हैं और पश्चिमी घाट में भी, बट हमको पश्चिमी घाट में डेल्टा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है, बट पूर्वी घाट में हमको डेल्टा का निर्माण करते हुए दिखाई देता है। डेल्टा क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम डेल्टा समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट, और ये क्या है, पूर्वी घाट, ठीक है। आप मेरा ये हाथ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो ये एक एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक सीधा जा रहा है और फिर यहाँ पे पांच पार्ट पे डिवाइड हो गया, देख रहे हो आप, यहाँ से सीधा गया और फिर यहाँ पे मेरे हाथ गए। सपोज आप इसे इमेजिन करो कि ये हाथ ऊपर तक आया और यहाँ से कितने पार्ट में बढ़ गया, फाइव पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, फाइव पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी तरह से एक रिवर फ्लो करती है, एक रिवर फ्लो करती है और आगे चल के विभिन्न पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मैंने पार्ट्स में क्या हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है, डिविजन हो जाता है, वो कैसे होता है बता रहा। पश्चिमी घाट से कोई रिवर निकलती है तो यहाँ पे सूर्य का निर्माण करती है, बट ये जो रिवर यहाँ से निकलती थी पहले तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता था, बट बहुत सालों के बाद क्या होगा, जब ये रिवर कंटिन्यू यहाँ से फ्लो कर रही थी, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे अपना गंगा की खाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंटिन्यू फ्लो करे तो ये जो ऊपर का भाग होता है ये क्या हो जाता है, पूरे चिल्ड कर देती है। इसलिए हमको यहाँ पे देखो ना, जो रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, मैंने उसका आपको रीजन बताया था कि ये जो रिवर यहाँ पे फ्लो करती है तो पूर्वी घाट की जो पर्वते हैं उनको तीर्ण बतीर्ण कर देती है, मतलब छिन्न भिन्न कर देती है, अलग अलग कर देती है, ठीक है। छिन्न करने का मतलब अलग अलग कर देना। इसलिए हमको यहाँ पे एक लाइन में कोई भी पर्वत दिखाई नहीं देता है, बट पश्चिमी घाट में हमको यहाँ से पूरा यहाँ तक पर्वत दिखाई देता है, हिमालय दिखाई देता है, हिमालय सॉरी पर्वत हमको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है। अब बताइए पश्चिमी घाट किस नंबर पे आती है हमारे, अगर मैं बात कर दूं लंबाई के बारे में तो किस नंबर पे आती है, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए। तो पश्चिमी घाट, हाँ पूर्वी घाट, यहाँ से जो रिवर आती है कंटिन्यू, और एक चीज मैंने आपको बताया था कि रिवर किसी भी जमीन को तब तक पाटती है या उसको गड्ढा तब तक करती है जब तक वो सागर के जल से अपने आप को मैच ना कर ले, मतलब सारा जब तक उसको ऐसा फील ना हो जाए कि अपने समतल पे होगा, ठीक है, क्योंकि समतल से सीधा सीधा उसको सागर में मिलना रहता है, बट अगर थोड़ा सा भी गैप है तो धीरे धीरे उसको ऐसा अपना रास्ता बनाते हुए चली जाएगी। उसी तरह से वो इस तरह से रास्ता बना रही थी फाइनली उसने पा लिया, ठीक है। तो जब ये रिवर यहाँ से फ्लो करके नीचे की तरफ बहती है तो पहले तो वो बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर करके आई होती है, ठीक है, प्लस जब वो यहाँ पे पहुंचती है तो उनको कोई भी ढलान महसूस नहीं होती है, जिससे किस तरह से यहाँ पे ढलान महसूस होती है हमारे पश्चिमी घाट का जो ये स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, बट पूर्वी घाट पे ऐसा नहीं है, उनको यहाँ पे कोई भी ढलान महसूस नहीं होती है, जिसके वजह से ध्यान से सुनिए, अभी लिखना है, ठीक है, अभी लिखना नहीं है, पहले सुन लो उसके बाद में लिखूंगा। इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, उनकी गति धीमी हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे उनकी जब गति धीमी हो जाती है तो उनके द्वारा बहाकर लाए गए मलबे जो चट्टाने होती है रॉक्स की छोटे छोटे वहीं पे रख देती है, जिसके वजह से उनके प्रेशर से उनकी जो गति होती है रिवर की वो क्या होती है, स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देती है। देखो इसे यहाँ पे आई, स्पीड उसकी गति स्लो हो गई, इस डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट कर देती है, वो भागना स्टार्ट कर देती है, और एक त्रिभुजाकार आकार में रिवर्स को फैला देती है, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। अब लिख लीजिए उसको अगले पॉइंट में, आप पूर्वी घाट में लिख लीजिए, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया इसको पूरा
यहां से यहां तक लिख लीजिए कि किस तरह से वो रिवर्स को तब तक धरातल तक, जब तक उसको छीन न करते, जब तक वो धरातल तक पहुंच नहीं जाती, ठीक है, तब तक उसको नीचे की तरफ दबाते हैं और फिर डेल्टा का फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे डेल्टा का नाम बताइए। अब आपको यहाँ पे डेल्टा डेल्टा दिख रहा है, ये डेल्टा फॉर्म हो रहा है, यहाँ डेल्टा फॉर्म हो रहा है, यहाँ डेल्टा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर कहाँ डेल्टा फॉर्म कर रही है? उड़ीसा में। ये रिवर कहाँ फ्लो कर रही है? देखो यहाँ पे ये रिवर कौन सी? कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर भी डेल्टा बनाती है, कावेरी रिवर भी डेल्टा बनाती है। क्यों डेल्टा बना रहे? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही इस तरह से है ना, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से है, ना कि इस तरह से। इस तरह से होता तो ऐश्वर्य का निर्माण होता था, बट डेल्टा इस तरह से है। हमारा जो धरातल, इसकी जो स्थिति है, जो इसका भाग है, किस तरह से? इस तरह से, यहाँ का स्ट्रक्चर इस तरह से। इसलिए रिवर जब फ्लो करती है तो वो धरातल की तरह, अभी धरातल पे रिवर बहेगी क्या? अगर मैं उसको सीधे जगह पे, यहाँ पे मैं कोई भी पानी ऐसा गिरा दूंगा, ठीक है, समतल जमीन हो, तो वहां पे आपको वो फ्लो करते हुए नहीं दिखाई देगी, वो स्टेबल दिखाई देगी, ठीक है। कंटिन्यू पानी भी आते रहेगा और वो स्टेबल रहेगी, तो अलग अलग डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देगी, तब जाके डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो कावेरी रिवर यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, वहां तक के भाग को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। इस भाग को क्या बोलते हैं यहाँ पे? कोरोमंडल तट, ठीक है। ठीक है, उत्तरी सरकार तट समझ गया, उत्कल तट समझ गया, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी रिवर कहाँ डेल्टा बना रही है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे चलते हैं, ये हो गई पश्चिमी घाट की बात, पश्चिमी घाट की बात। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ये रिवर्स, आप ऐसा ना समझिए कि रिवर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स की तो 0.5% से बात हुई है, अभी रिवर का एक बहुत बड़ा लेक्चर मैं लूंगा, 3-4 लेक्चर में रिवर को कंप्लीट करेंगे और बहुत बारीकी से देखने वाले रिवर को, क्योंकि रिवर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और मैं नहीं चाहता कि रिवर्स में आपका एक भी क्वेश्चन क्या हो, रॉन्ग हो। रिवर को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा और हर एक रिवर के बारे में बात करेंगे, ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठेंगे और सब रिवर के बारे में पढ़ लेंगे, शाम को आ जाएगा, ऐसा नहीं। पहले हम उत्तर के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ के बारे में बात करेंगे, फिर हम साउथ के बारे में बात करेंगे, ऐसे एक एक करके, और उनकी सहायक नदियां कहाँ है, उद्गम क्या है, ठीक है, कहाँ फ्लो करती है, कहाँ मिलती है जाके, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ऊपर के यहाँ पे मैंने इस रिवर के बारे में क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा मेन मकसद है डेल्टा को बताना। तो यहाँ पे ये रिवर तो डेल्टा फॉर्म करती है, बाकी रिवर डेल्टा फॉर्म नहीं कर रही, इसलिए उनको नहीं बताया, बट यहाँ पे भी एक रिवर ऐसी जो डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये चाइना है, ठीक है, तिब्बत, तिब्बत के मानसरोवर से 3 रिवर निकलती है। पहली इंडस रिवर, याद रखिए इसको, ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलुज रिवर, ठीक है, 3 रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और यहाँ से सतलुज रिवर निकलती है, ठीक है। उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमको उसके बारे में नहीं समझना है। यहाँ से गंगा रिवर निकलती है, गंगोत्री से, यहीं से यमुनोत्री निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री गंगा में मिलती है, यमुना रिवर, यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गंगा की सहायक नदियां गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, ये सारी रिवर गंगा की सहायक नदियां। अब ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से निकलती है, जिसका चाइना में क्या नाम होता है? सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अब वो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से अंदर की तरफ आया, ठीक है, यहाँ पे किस तरह से आया, अंदर की तरफ आया। जब वो यहाँ से, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे अंदर एंट्री मारता है, उसका यहाँ पे नाम दिहांग हो जाता है और फिर असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आया और बे ऑफ बंगाल में जाके, बंगाल, बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। यहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है सिक्किम से, यहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है। गंगा रिवर भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, ये रिवर यहाँ से निकलती है, बहुत दूर तक फ्लो करती है, जमीन समतल होने की वजह से ज्यादा स्पीड नहीं प्राप्त कर पाती है, और यहाँ पे आती है तो यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर आपस में आके दोनों भिड़ जाती है, अपोजिट साइड से लड़ जाती है, ऊपर से तीस्ता रिवर भी बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी गति बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, बट पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, वाटर का जो लेवल है वो हद से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियां आके मिल जाती है, गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीनों रिवर मिल जा रही है, प्लस उनकी स्पीड कम हो गई।
अब समझ रहे हो, स्पीड भी कम हो गई और तीनों आगे मिल गई। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, डेल्टा। कैसे फॉर्म होगा, जब उनकी गति कम हो गई तो उनके द्वारा लाए गए अवसाद चट्टाने जो मलबा होता है उनका, वो क्या करेंगी इधर उधर रख देगी, और जब इधर उधर रख देंगी तो नदियों में इतनी गति नहीं रह पाती उनको बहा के लेके जाने के लिए, तो वो क्या करती है जहां जहां से जगह मिलता है वही वही से निकलना स्टार्ट करती है। तो कुछ इस तरह से क्या करती है वो, बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है। अगर एग्जाम में पूछा था भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है। विश्व का भी हो सकता है, ठीक है, विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, भारत को, यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। कौन बनाता है, अगर पूछा गया एग्जाम में कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये डेल्टा, ठीक है, इसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, नाम याद रखिए। अगर आपको बोलते हैं इस पे क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो कहाँ पे है, बांग्लादेश में। किन किन नदियों के द्वारा बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, उनके मिलाप से सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है, ठीक है, बनता है, क्योंकि वहां पे वो रिवर्स आके जुड़ती है और एक बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे, मैग्रो, ठीक है, मैग्रो जो खारे पानी में जो वृक्ष उगते हैं उनको मैग्रो बोलते हैं, ठीक है, मैग्रो, वो भी लिख लीजिए वहां पे, कि यहाँ पे किस नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, मैग्रो नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए मैग्रो वृक्ष कहाँ पे उगता है, तो कौन से खारे पानी के जल में उगता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ है वो, तो सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा एक बहुत बड़ा डेल्टा है जहाँ पे मैग्रो वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, डेल्टास के बारे में बात हो गई, डेल्टा हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे और किस तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, आप रिवर्स के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे। अब मैं इसके बाद, ये हमारा ओवर हो गया क्या, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सब कुछ ओवर हो गया, तटीय क्षेत्र भी मैंने ले लिया, तो पूरी तरह से प्रायद्वीपीय पठार खत्म, ठीक है। इसके बाद अब मैं किसकी बात करूंगा, रिवर्स के बारे में बात करूंगा, कि रिवर्स